हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो के साथ, नई प्रॉब्लम और उसके सलूशन के साथ। ये कैनन का इमेज क्लास MF3010 प्रिंटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम इसको ऑन करते हैं अब तो ये ऑन हो गया। जब इसको एक बार बंद करके फिर दोबारा ऑन करूंगा ये देखिए अब रुक गया, ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा। एक बार फिर करता हूं मैं, ये देखिए पहले एरर आएगा इस पे, ये चेक कीजिए E001। मैं एक बार फिर ऑन करके दिखाता हूं दोबारा। ये देखिए फिर ऑन हो गया, ये ऐसे ये बार बार कर रहा है। देखिए ये फिर एरर आ गया E001। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं ये क्या प्रॉब्लम है और मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे ठीक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोलते हैं। हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको जहाँ पे पावर केबल लगती है वहां से खोलना है। एक यहाँ से पेच खुलेगा, फिर ये ढक्कन पूरा बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक पेच का डाल के निकालना है माइनस वाला, और एक यहाँ पे निशान लगा हुआ है और एक नीचे ये बना हुआ है। यहाँ पे पेच का डाल के ये हमारे ढक्कन जो है प्रॉपर खुल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो के साथ, नई प्रॉब्लम और उसके सलूशन के साथ। ये कैनन का इमेज क्लास MF3010 प्रिंटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम इसको ऑन करते हैं अब तो ये ऑन हो गया। जब इसको एक बार बंद करके फिर दोबारा ऑन करूंगा ये देखिए अब रुक गया, ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा। एक बार फिर करता हूं मैं, ये देखिए पहले एरर आएगा इस पे, ये चेक कीजिए E001। मैं एक बार फिर ऑन करके दिखाता हूं दोबारा। ये देखिए फिर ऑन हो गया, ये ऐसे ये बार बार कर रहा है। देखिए ये फिर एरर आ गया E001। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं ये क्या प्रॉब्लम है और मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे ठीक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको खोलते हैं। नीचे से कर खोल लिया, फिर हमने यहाँ पे जो एरो बना हुआ यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे हमारा साइड से खुल जाएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये सभी वायर को निकालना है। सभी वायर निकाल लिए हमने, फिर इसको खोलेंगे सभी को, ये पीसी वाला कार्ड निकालेंगे बाहर।
एक साइड में है। ये बाहर आ गया, फिर हमने ये दो पेज ये खोलने हैं और एक ये वाला। एक वायर निकालनी है इसकी, अर्थिंग की जो केबल होती है। ये अब ये पावर कार्ड खोलना है, खोल के बाहर निकाल कर हम यहाँ पे दूसरा में ये जो पावर कार्ड है वो लगा के देखेंगे, पहले चेक करते हैं उसको। ये इसका पावर कार्ड निकालेंगे इसको, ये हमारा कार्ड बाहर निकल गया। ये कार्ड हमने निकाल लिया। जब मैंने कार्ड को देख निकाला तो यहाँ पे देखा कि ये देखिए यहाँ से ये बर्न हुआ है कार्ड की बैक साइड से। ये देखिए यहाँ पे ये जो है कंपोनेंट ये बर्न हो चुका है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। इसकी जगह पे हम ये अब दूसरा कार्ड लगा के चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं इस दोबारा लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको वायर से कनेक्ट करते हैं अभी, बाकी मैंने कार्ड तो फिट कर दिया इसमें। जैसे जैसे वायर लगी हुई थी वैसे वैसे सेम वायर हम वहीं पे लगा देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, ये वायर हमारी कनेक्ट हो गई, अर्थिंग की रह गई है, ये हम बाद में लगा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, को मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, को ऑन करके देखते हैं। देखिए हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज होने लगा है, ये रेडी हो गया। मैं फिर बंद करके दिखाता हूँ आपको। एक बार और दिखाता हूँ। हमारा ये प्रिंटर अब रेडी हो चुका है। मैं आपको एक फोटो शेड निकाल के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्रिंटर है जो ठीक हो चुका है। मैंने इसकी जो पावर कार्ड था वो चेंज कर लिया। मैं आपको दिखाया था कि यहाँ से ये बर्न हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने दूसरा पावर कार्ड लगाया था जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।